एंड जैसा कि तुम सभी को पता है, मैंने बेस्ट सेंसिटिविटी आफ्टर अपडेट की वीडियो बना दी है। एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो होगा वन टैप हेडशॉट ट्रिक आफ्टर अपडेट की, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। देखो, चाहे तुम्हारे मोबाइल का रैम 2 GB, 3 GB, 4 GB या फिर 6 GB हो, लेकिन सारे के सारे डिवाइसेस की फायर बटन साइज मैं इस वीडियो पर बताऊंगा। साथ ही साथ मैं बेस्ट फायर बटन पोजीशन भी बताऊंगा, जिससे तुम्हारे ओनली रेड नंबर्स ज्यादा लगेंगे। ख्वाब दिखाता है। अरे एटीट्यूड भाई, आप मुझे ये बताओ कि मैं अपने फायर बटन का साइज छोटा रखूं या फिर बड़ा रखूं? सो देखो, इसको जानने के लिए तुम्हें कुछ अलग चीजें भी समझना हो। जब मैं अपने फायर बटन का साइज को 100 पर करता हूँ, देन यहाँ से हेडशॉट मारने की कोशिश करता हूँ, तो बंदे से मेरी रेंज ज्यादा होने के कारण बड़े फायर बटन साइज पर भी बंदे को आसानी से हेडशॉट्स लग रहे हैं। लेकिन जब मैं 100 फायर बटन साइज के साथ ही बंदे के सामने से बंदे पर फायरिंग करता हूँ, तो फिर यहाँ पर बंदे को हेडशॉट्स कम एंड बॉडी शॉट ज्यादा लगते हैं। अच्छा लेकिन ऐसा क्यों? तो समझो, जब एनिमी से हमारा रेंज ज्यादा होता है, देन यहाँ पर एक्यूरेसी भी बहुत ही कम होती है, जिससे बंदे के बॉडी पर हमारा एम लॉक कम होता है, देन इससे हल्के से ड्रैग स्पेस से ही बंदे को हेडशॉट्स लगते हैं। लेकिन जब हम लोग बंदे के सामने होते हैं, देन यहाँ पर एम लॉक ज्यादा होता है और फायर बटन का साइज बड़े होने के कारण हमें ड्रैग स्पेस कम मिलता है, जिसके कारण ओनली बॉडी शॉट्स लगते हैं। तो चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब मैं अपने फायर बटन का साइज 30% पर रखने के बाद गेम प्ले करता हूँ, तो यहाँ पर मैं करता हूँ पहला किल, देन थोड़ा सा आगे आने के बाद मैं करता हूँ सेकंड किल, एंड इसके बाद होता है हमारा तीसरा किल। छोटे फायर बटन साइज होने के कारण हमारा जो रिजल्ट होता है, बस एक हेडशॉट लगता है। अब इतने से ही हमें ये पता चल चुका है कि हमारा फायर बटन का साइज अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा या फिर बहुत ही ज्यादा छोटा हो, तो हमारे हेडशॉट्स नहीं लगते। प्यारी समझ गई। मुझे पता है तुम सभी के पास अलग अलग रैम एंड अलग अलग ब्रांड की डिवाइसेस होती है। कुछ बंदों के पास 2 GB रैम वाले डिवाइसेस होंगे, कुछ बंदों के पास 3 GB रैम वाले, और इसलिए मैं कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकता, जिससे बस तुम लोग रखो एंड तुम्हारे हेडशॉट्स लगे। सो इसी के लिए हम लोग एक ट्रिक का यूज करते हैं। सिंपली तुम्हें अपने गेम के सेटिंग पर आना है, देन तुम्हें अपने कस्टम एचयूडी पर जाना। अब तुम लोग ये चीज मैच करना कि कितने बंदों का फायर बटन प्लेसमेंट गलत है। सो सिंपली तुम्हें अपने कस्टम एचयूडी का एक स्क्रीनशॉट ले लेना। तुमने जो स्क्रीनशॉट लिया, इस स्क्रीनशॉट को किसी भी फोटो एडिटर ऐप पे ओपन करना, एंड सबसे पहला उस फोटो एडिटर ऐप से तुम्हें इस बीच पर लाइन को मार्क करना। कुछ इस तरह से लाइन को मार्क करने के बाद तुम्हारे पास बचता ये वाला पार्ट, देन इसको भी तुम्हें हाफ करना, एंड देन इसके बाद तुम्हें फिर से और एक बार हाफ करना है। सेम प्रोसेस तुम्हें अप्लाई करना लैंडस्केप पर, यानी कि कुछ इस तरह से तुम्हें इस वाले पार्ट को मार्क कर देना, देन फिर से और एक बार तुम्हें इस वाले पार्ट को हाफ करना है, यहाँ पर मार्क लगाना है। चुप कर बे कुत्ते। एंड अब तुम लोग देखोगे यहाँ पर तुम्हें मिलता है एक शेप, जिसके अंदर पर तुम्हें फायर बटन को सेट करना है। हम सभी के पास अलग अलग रैम वाले डिवाइसेस हैं। जितने भी मोबाइल्स में लो सेंसिटिविटी होती, यानी कि 2 GB, 3 GB रैम वाले डिवाइसेस, मोबाइल का रैम कम होने के कारण तुम्हारे मोबाइल का टच रिस्पांस कम होता है, और जब टच रिस्पांस कम होगा, तो तुम्हारा छोटा फायर बटन साइज कभी कभी वर्क नहीं करेगा, और इसलिए लो एंड डिवाइसेस में हमें बिग फायर बटन साइज ही चाहिए। ठीक है। एंड हाई एंड डिवाइसेस में हमें थोड़ा सा लो फायर बटन साइज चाहिए, एंड इस चीज को फाइंड करने के लिए हमें सिंपली जाना ट्रेनिंग ग्राउंड। फिर से तुम्हें सेम प्रोसेस को दोहराना है, यानी कि सबसे पहला गन लेना हमें UMP गन को, देन दूसरा हमें लेना है शॉट गन, वो भी स्पार्स 12 शॉट गन, एंड तीसरे में हमें लेना है डिजर्ट ईगल गन को। यानी कि तीनों गन्स पर तीन तीन किल्स करो, देन तुम्हें सिंपली अपने फायर बटन का साइज 40% से 41 पर करना है, देन फिर से तीन तीन किल्स करो, देन इसके बाद फिर से अपने फायर बटन का साइज 2 या 3% पर इंक्रीज करो। मेरा क्या फायदा? एंड इस अपडेट पर तुम्हें हाईएस्ट 55% तक ही ले जाना। ऐसे भी इससे बड़ा फायर बटन साइज रखने पर तुम्हारे हेडशॉट्स कम लगेंगे, एंड सिंपली जिस भी फायर बटन साइज पर ज्यादा हेडशॉट्स लग रहे हो, सिंपली उसी को अपने गेम पर अप्लाई कर लेना। एनीवेज, बात करते हैं 2 GB एंड 3 GB रैम वाले डिवाइसेस। फ्री फायर पर जैसे जैसे अपडेट आते हैं, फ्री फायर के मेन फाइल सोर्स का भी डेटा बढ़ता जाता है, एंड फाइल सोर्स बड़ा होने के कारण हमारे लो एंड डिवाइसेस में पहले से ही गेम लैग करता है। अब ऐसे में छोटे फायर बटन साइज रखने पर हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिले। सो 2 GB एंड 3 GB रैम वाले प्लेयर्स अपने फायर बटन का साइज 55% पर रख सकते हो, एंड अगर तुम्हारे पास 4 GB रैम का डिवाइस, तो 4 GB रैम मोबाइल वाले प्लेयर्स अपने फायर बटन का साइज या तो 52% या फिर 50% पर खेल सकते हो। अगर पर्सनली मेरी बात करो, तो मेरे पास भी 4 GB रैम का डिवाइस, एंड मैं भी 50% पर अपने फायर बटन साइज को रखता हूँ।
एंड अगर तुम्हारे पास 6GB रैम या फिर 8GB रैम का डिवाइस तो ऐसे में तुम लोग अपने फायर बटन का साइज या तो 41% पर या फिर 40% पर खेल सकते हो। अब देखो, अचानक से जब तुम लोग अपने फायर बटन साइज को बहुत ही ज्यादा बड़ा या फिर बहुत ही ज्यादा छोटा करो तो फिर मुझे पता है तुम सभी का गेम प्ले बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा कुछ दिनों तक। लेकिन सिंपली एक ट्रिक का अगर तुम लोग यूज करते हो देन तुम्हारा गेम प्ले वैसा का वैसा ही रहेगा। अब सिंपली तुम लोग ऐसा कर सकते हो, अगर तुम्हारा फायर बटन साइज अभी के समय पर 50% पर है एंड तुम्हें 40% पर करना है देन तुम लोग ऐसा कर सकते हो, पहले 1 या फिर 2% डिक्रीज करो देन फिर से उस पर गेम प्ले करो एंड कुछ दिनों तक खेलने के बाद फिर से तुम लोग 1 या फिर 2% कम करो देन फिर से गेम प्ले करो। यानी कि अचानक से तुम्हें अपने फायर बटन का साइज कम या फिर अचानक से बहुत ही ज्यादा नहीं करना है, तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके करना है। जब तुम्हारा फायर बटन साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है देन इसके कुछ नुकसान होते हैं, जिसमें से सबसे मेन प्रॉब्लम होती है तुम्हारा ऑटो क्लिक। इसका मतलब जब तुम लोग यहाँ से अपने डायरेक्शन को चेंज करते हो तो अपने आप कई बार तुम्हारा फायर बटन साइज क्लिक होने लगता है। वहीं पर जब तुम लोग अपने फायर बटन का साइज काफी ज्यादा लो कर देते हो इससे भी तुम्हें कई सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिले, जैसे कभी कभार बंदे पर एम लॉक नहीं होगी एंड तुम्हारा जो एम होगा वो ओवर ड्रैग होकर बंदे से भी ऊपर चला जाएगा। दूसरा, अगर तुम लोग राइट फायर बटन का यूज करके ग्लूवल पुट करते हो देन वो भी तुम लोग नहीं कर पाओगे। और तीसरा, अगर तुम लोग AWM गन को राइट फायर बटन से यूज करते हो देन इस पर भी तुम्हें काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो वन टैप हेडशॉट ट्रिक पर होगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।